यो गुड मॉर्निंग दोस्तों, सभी का स्वागत है मेरे एक और नई माइनक्राफ्ट की वीडियो में। सो पिछले वाले माइनक्राफ्ट की स्ट्रीम पे मेरे ख्याल से हम लोगों ने बनाया था हमारा न्यू एक्सपी फार्म, और उसी वजह से आप देख सकते हो मेरा एक्सपी अभी 23 हो चुका है और ये मेरा आज तक का सबसे ज्यादा हाईएस्ट एक्सपी है। और आपको पता है यार, एक्सपी जितना ज्यादा होता है उतना ज्यादा भूख भी लगता है। तो इसीलिए हम लोगों ने ना यहाँ पे घर के सामने ही हमारा एक बनाया है पिगी फार्म। जहां तक मेरे को पता है गाइस, पिगी फार्म बनाना सबसे ज्यादा ईजी है। अगर मैं यहाँ पे चिकन वगैरह फार्म बनाऊँ तो यार बहुत मेहनत लगता है, जैसे कि देख सकते हो अभी तक सिर्फ दो ही चिकन है उधर। लेकिन पिग फार्म में मेरे को मुश्किल से मुश्किल आधा एक घंटा लगा इतना बड़ा बनाने में। तो हमारा पिग फार्म बहुत बड़ा बन चुका है, और जितना बड़ा पिग फार्म मेरे को उतना बड़ा यहाँ पे पीछे फार्मिंग भी करनी पड़ी। देख सकते हो यहाँ पे हमारे पास सिर्फ और सिर्फ गाजर ही है, और मेरा खाना भी खत्म होने वाला है। मेरे पास खाना भी नहीं है, अभी सिर्फ 9 कुक्ड पोर्क बचा है मेरे पास। सो ऐसा ही रहा था मैं बहुत जल्दी मर जाऊंगा, लेकिन ऐसा नहीं होने वाला, क्योंकि गाइस हमारे पास हमारा पिग फार्म बचा है। इसका मतलब हम जब भी कुछ भी चाहिए तब मार के खा सकते हैं। उसके अलावा अभी मैं पिग फार्म पे नहीं जाने वाला, उसके अलावा हम लोग जाने वाले हैं हमारे घर के ऊपर, क्योंकि यहाँ पे ना मैंने एक बहुत बड़ा सरप्राइज बिल्ड करा है, वो है हमारा न्यू एन्चैंटमेंट टेबल। बेसिकली ये बनाना जरूरी था, मेरे दोस्त ने बताया कि अगर मैं अपने पिकैक्स वर्ड को एन्चैंट कर लूँ तो उसका क्या बोलते हैं डैमेज बढ़ जाता है, साथ ही साथ वो जल्दी टूटता भी नहीं। तो इसी वजह से मैंने बहुत सारे लैपिस लजुली भी जमा करा है। यहाँ पे मैं एक चीज को एन्चैंट कर सकता हूँ, अपने आयरन एक्स को एन्चैंट कर सकता हूँ, लेकिन यहाँ पे एफिशिएंसी वन का एक है, एक अनब्रेकिंग वन है और एक फॉर्चून वन है। एक्चुअली मेरे को पता नहीं कि एक्स के लिए कौन सा एन्चैंटमेंट बेटर होता है, तो फिलहाल के लिए मैं एक्स को छोड़ ही देता हूँ। मेरे को एक स्वॉर्ड की जरूरत जरूर पड़ेगी, लेकिन उससे पहले गाइज एक सेकेंड, मैं आप लोगों को ना अपना खुद का एक एक्सपी फार्म दिखाना चाहता हूँ। अगर आप लोगों ने मेरा लास्ट स्ट्रीम नहीं देखा तो मैं आपको दिखाना चाहता हूँ कि हमारा एक्सपी फार्म कहाँ पर है। बेसिकली मैंने केव ढूंढा था जहाँ पे हमें एक स्पॉनर मिला था, और ये केव यहाँ पे बहुत अंदर जाना पड़ेगा हम लोगों को, क्योंकि ऑब्वियस बात है स्पॉनर आपको हर जगह पे नहीं मिलता। तो मैंने सोचा था कि स्पॉनर को अपने घर की तरफ मूव कर लूँ, लेकिन मैंने यूट्यूब पे वीडियोस देखी और मेरे को पता चला कि हम लोग स्पॉनर को मूव नहीं कर सकते। अगर मैं स्पॉनर को ब्रेक करता हूँ तो वो हमेशा के लिए ब्रेक हो जाएगा, और ना घर का ना घाट का दुश्मन अनाज का हो जाएगा। सो बेसिकली मेरे को बहुत ही अंदर जाना पड़ेगा, स्पॉनर बहुत अंदर है। सो इसी वजह से मैं ज़्यादा कम ही आता हूँ यहाँ पे स्केलेटन्स वगैरह को मारने के लिए। और अगर हम लोग यहाँ पे जाए तो मेरे ख्याल से स्पॉनर आ चुका है। यस, यहाँ पे हम लोगों ने एक्सपी फार्म बनाया, जैसे कि देख सकते हो यहाँ से मैंने एक अंदर अंडरग्राउंड जाने का रास्ता बनाया है। और अगर मैं यहाँ पे जाऊँ तो देख सकते हो यहाँ पे एक स्केलेटन है, इसको मैं मार, ये खा, और मेरे को इसे यहाँ पे एक्सपी मिलता है। अगर अंदर आप जाओगे तो देख सकते हो, ओह यहाँ पे एक और स्केलेटन है। और अगर मैं इस क्रेट को खोलूँ तो इस चेस्ट के अंदर भी आप देख सकते हो कितने सारे मेरे पास यहाँ पे बोन जमा हो चुके हैं। ये बो कोई काम का नहीं है, फुल डैमेज्ड है, लेकिन एरोज वगैरह भी जमा हो चुके हैं, मेरे को एरो जरूरत है यार। एनीवेज गाइज, तो हमारा यहाँ पे तो ये हो गया स्केलेटन फार्म। उसके अलावा हम लोगों ने ना एक अच्छी जगह पे माइनिंग भी करा है। मैंने सोचा था कि गाइज अगर हम लोग यहीं पे माइनिंग करते जहाँ पे हमारा स्केलेटन फार्म है तो बहुत दूर पड़ जाता घर से, मतलब ऑब्वियस सी बात है मेरे को आने में जाने में बहुत टाइम लग जाता है। तो इसीलिए मैंने ना एक बहुत ही तगड़ा जगह ढूंढा जहाँ पे मैं माइनिंग कर सकता हूँ। तो ये हम लोग केव से बाहर आ चुके हैं, ये केव बहुत ही लंबा है, तो इसकी वजह से मेरे को ना ये केव बहुत ज्यादा पसंद है भी नहीं। तो मैंने सोचा कि गाइस हमें माइनिंग हमारे घर के पास ही कहीं पे करना चाहिए, क्योंकि ये बहुत ही ज्यादा ईजी होता है। इसीलिए मैंने ना क्या करा पता है, ये जो हमारा नेदर पोर्टल है इसके नीचे, एग्जैक्टली इसके नीचे मैंने ना एक बहुत ही बड़ा गड्ढा खोल दिया, और आपको मैं दिखाना चाहता हूँ कि कितना जबरदस्त है। अगर मैं यहाँ से जाऊँ नीचे, ओ गिरा मैं, बच गया बच गया बच गया। तो अगर मैं इसके नीचे जाऊँ ना गाइस, तो यहाँ पे मैंने माइनिंग करा है, और सरप्राइजिंगली यहाँ पे मेरे को मिला है माइन शाफ्ट। तो आप देख सकते हो गाइस, ये रहा माइन शाफ्ट। ये बहुत ही लकी वाला चीज है, क्योंकि कहीं पे भी माइनिंग करते हुए हमें माइन शाफ्ट मिलना है बहुत बड़ी बात हो जाता है। और आप जैसे कि देख सकते हो यहाँ पे माइन शाफ्ट हर तरफ है, हर एंगल में है। सो इसी वजह से मैंने यहाँ पे जगह चुना है, अभी तक मैंने इस पर माइन नहीं करा। माइन शाफ्ट में मैं गया तो था अंदर, बस ये ट्रैक्स वगैरह उठाने के लिए, जैसे कि देख सकते हो ये जो ट्रैक वगैरह है ना, ये बहुत काम का है, तो इसी को उठाने के लिए मैं गया था। और ये मैं जितना ज्यादा हो सकता है उतना ज्यादा मैं लेना चाहता हूँ, क्योंकि गाइस मैं इसको इस्तेमाल करने वाला हूँ। बेसिकली हम लोग करेंगे ये कि जो हमारा ये जो रेल है, इस रेल को यूज करके हम लोग हमारे घर के पास विलेजर्स को लाएंगे, और वो किस काम आएगा आपको एक्चुअली पता नहीं होगा, बट मैं बताना चाहता हूँ। सबसे पहली चीज हम लोग क्या करने वाले हैं, हमारे जो विलेजर्स, ओ गिरिया मैं, हमारा जो विलेजर्स है उनको हम अपने घर के पास लेके आएंगे। उसके बाद उनको ना हम लोग देने वाले हैं कुछ रोल्स, जैसे कि बहुत सारे काम होता है, जैसे कि फार्मिंग करना होता है या फिर कुछ भी काम हो, तो वो मेरे को खुद अकेला करना पड़ता है, और इसी वजह से मैं बहुत कुछ नहीं कर पाता। जैसे कि अगर मैं माइनिंग कर रहा हूँ तो मैं खाना को नहीं देख पाता, अपने फार्म को नहीं देख पाता, और जब मैं फार्मिंग कर रहा होता तो माइनिंग को नहीं देख पाता। इसी वजह से मैंने सोचा गाइस कि क्यों ना हम लोग एक फार्मर को यहाँ पे घर पे ही बुला ले। रात हो चुका है, सबसे पहले मैं जाके सो जाता हूँ, मैं नहीं चाहता कि मेरे को कोई मार दे। तो गुड नाइट गाइस।
ओके, एक और नया दिन, एक और नई सुबह। तो सुबह हो चुका है और ये जो हमारा फार्म है गाइस, इस फार्म को देखने देखभाल करने के लिए ना मेरे को एक फार्मर की जरूरत है। और इसी फार्मर को बुलाने के लिए हमारे घर के पास में ही विलेजर्स है, मतलब विलेजर्स के पास विलेजर्स भी होंगे, तो उसमें से किसी एक विलेजर को हमको पकड़ के लेके आना पड़ेगा। तो वो कैसे पकड़ के लाए के आएंगे? मैंने सोचा था गाइस कि हम इसको एक रेल बनाते हैं जिससे कि रेल डायरेक्टली ये विलेज से हमारे घर तक कनेक्ट हो। और उसके लिए ना मेरे पास सब कुछ है, जैसे कि देख सकते हो यहाँ पे मेरे पास रेल है। जैसे कि मैं अगर इसको कैसे करते हैं, एक सेकेंड पे डालूं, ऐसे 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 ऐसे, और फिर उसके ऊपर मैं रख दूं यहाँ पे माइनक्राफ्ट और इसके ऊपर बैठूं, तो ये चलता है क्या आगे? यस, देखो गाइस ये मूव हो रहा है, ये मूव हो रहा है, ये मूव हो रहा है बिल्कुल। तो इसी तरह से मैं सोच रहा था कि मैं एक बहुत ही बड़ा पटरी बना लूँ, जिससे होगा ये कि हम लोग इसके ऊपर बैठा के विलेजर को अपने घर पे लेके आएंगे। यार पिगी कितना शोर कर रहा है यार। सो मैं इसके लिए ना सब कुछ करने के लिए रेडी हूँ। मेरे पास बहुत ज़्यादा रेलवे ट्रैक है, तो मैं रेलवे ट्रैक को ऐसे लगाता हूँ। बट एक सेकेंड, क्या मैं रेलवे ट्रैक को घुमा भी सकता हूँ? वाह, घुमा सकता हूँ, चलो ठीक है। स्पाइडर की आवाज़ आ रही है भाई, कहीं पे स्पाइडर वगैरह क्या? तो इसको ऐसे ऐसे लेके जाएंगे विलेज तक, जितना बड़ा जितना लंबा होगा उतना बेटर है हमारे लिए। तो इसको मैं यहाँ तक लेके जाता हूँ। बट यहाँ पे मैंने लेवल डाउन कर दिया उस स्पाइडर्स के अंदर। मैंने यहाँ पे लेवल इस घर को ना यहाँ पे इक्वल करने के लिए बहुत ही अच्छा लेवल तो बनाया था, बट यहाँ पे डाउन करना पड़ेगा मेरे ख्याल से। एक काम करता हूँ, मैं डर्ट लेके आता हूँ, डर्ट से मैं बनाऊंगा। तो मेरे पास डर्ट होंगे शायद। किधर है डर्ट? मेरे पास डर्ट नहीं है क्या? मेरे पास डर्ट नहीं है। मैं काम करता हूँ, मैं लेता हूँ कोबल स्टोन ही, कोबल स्टोन से बनाएंगे। चलो, और मेरे पास जो भी ट्रैक वगैरह पड़े हैं मैं वो भी ले लेता हूँ, क्योंकि कभी भी काम आ सकता है। तो 18 ट्रैक्स मेरे पास अभी भी है। पावर रेल ये क्या है मेरे को एग्जैक्टली पता नहीं, तो इसको हम यहीं पर रहने देते हैं। चलो ठीक है, तो अभी मेरे पास 40 और ट्रैक्स है, हम इसको इस्तेमाल करके विलेज तक रास्ता बना सकते हैं। सबसे पहले मैं क्या करूँगा, यहाँ पर ऐसे लगाऊंगा। ओके, विलेज के बहुत ही पास तक तो है, लेकिन एक सेकंड, यहाँ पे बहुत बड़ा केव भी है। एक केव के पास से लेके जाते हैं हम लोग। यहाँ पे इसे लेके आया, अब इसको यहाँ से यू टर्न मारते हैं। ओके, हम लोगों ने यहाँ तक बना लिया, हमारे विलेज के पास तक आ चुका है, लेकिन अभी भी मेरे को विलेजर के पास तक लेके जाना पड़ेगा। मगर कुछ ज़्यादा ऊँचा नहीं हो गया क्या? विलेजर इसके ऊपर चढ़ेगा कैसे? बाय द वे बहुत ज़्यादा ऊंचा हो गया, इसको बाद में देखेंगे। फिलहाल हम लोग ना क्या करेंगे, इसके ऊपर पटरी बिछाना पड़ेगा मेरे को। हमारा जो रेलवे ट्रैक है इसके ऊपर से जाएगा, तो उसको ऐसे ऐसे डालते हैं हम लोग। यहाँ पे कितना मस्त है, अगर यहाँ पे ट्रेन चलेगा तो ये क्या मस्त लगेगा ना यहाँ पे, मतलब इतना ऊंचाई के ऊपर से ब्रिज टाइप मैंने बना दिया है, बहुत ही तगड़ा लग रहा है। और मेरे ख्याल से हमारे पास पटरी बहुत कम है, मेरे को फिर से जाके यहाँ पे माइनक्राफ्ट से पटरी लेके आना पड़ेगा। फिलहाल देखते हैं कि काम कैसे करता है। इसके ऊपर अगर मैं ऐसे बैठूँ और ये अगर मैं इसको ऐसे चलाऊँ तो ओके, बहुत स्लो है, लेकिन इसको फास्ट कैसे करते हैं? ये बहुत स्लो है बट कोई बात नहीं। इसको लगता है मेरे को कुछ और भी करना पड़ेगा, फास्ट क्यों नहीं जा रहा? क्या करेंगे तो ये फास्ट जाएगा, मेरे को एग्जैक्टली पता नहीं है। कुछ तो करना पड़ेगा, ये फास्ट नहीं जा रहा। मेरे को ना ट्रेन बनाना तो है, लेकिन एक्सप्रेस ट्रेन बनाना है। अगर इतना स्लो होगा तो मज़ा नहीं आएगा, एकदम फास्ट होना चाहिए, मतलब ऐसे स्पीड में जाए ऐसे स्पीड में आए। इसके लिए कुछ करना पड़ेगा क्या? मैं क्या कर सकता हूँ? फिलहाल ना मैं पहला पटरी लेके आता हूँ, मेरे पास ट्रैक्स वगैरह नहीं है। जितना अच्छा ट्रैक मेरे को जल्दी मिल जाएगा उतना बेटर है, तो मैं यहाँ ट्रैक लेके आता हूँ। ओके, तो हमारे पास मैक्सिमम ये 18 अभी मिल चुका है, बहुत मुश्किल है ढूंढना। 38 हो चुका है हमारे पास। चलो, तो इसको लेके जाएंगे, हमारे ख्याल से 38 काफ़ी होगा। अगर नहीं होता है तो मेरे को कुछ जुगाड़ करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे माइनशाफ्ट में जितने भी रेल्स थे मैंने सारे के सारे निकाल लिए। अभी मेरे ख्याल से और बचा नहीं है, अगर बचा भी है तो मेरे को ढूंढना पड़ेगा। ओके, रात हो चुका है, देख रहे हो इतना मैंने डिगिंग करा ना, रात हो चुका है, मेरे को जाके सबसे पहले सोना चाहिए। गुड नाइट गाइज, हमारा दूसरा दिन यहाँ पे समाप्त होता है। ओके, गुड मॉर्निंग दोस्तों, एक और नया दिन, एक और नई सुबह। देख सकते हो यहाँ पे सारे के सारे ज़ॉम्बीज जल के मर रहे हैं। कहाँ आ रहे हो भाई? मरो तुम लोग, जल के मरो, तुम्हारा वही काम है, मरो। यहाँ पे आते आते तू खत्म हो जाएगा। खत्म हो गया। ओके, एनीवेज, हमारा जो रेलवे कुंड है, एक सेकंड, मेरे को ना ये मिला है कुछ, क्या काम करता है पावर रेल, ये क्या काम करता है मेरे को देखना पड़ेगा। जैसे कि अगर मैं इसको यहाँ पे ये तोड़ूँ और यहाँ पे ये लगा दूँ, तो ये रेल रुक जा भाई, कहाँ जा रहा है? एक और रेल है मेरे पास, चलो ठीक है, दूसरा रेल है। अगर मैं यहाँ पे डालूँगा, क्या काम करते हैं पावर रेल? बहुत स्लो है यार ये पावर रेल, क्या काम करते हैं मेरे को एग्जैक्टली मालूम नहीं है। ओके, तो हम लोग यहाँ पर रेल को लगा देते हैं, जितना भी बचा हुआ था वो सब काम कर लेते हैं। मेरे ख्याल से 38 रेल काफ़ी होगा। बाई द वे लेट मी चेक, यहाँ पे ऐसे 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 इधर देख रहे हो कितने सारे विलेजर्स हैं वहाँ पे। मेरे को ना एक को पकड़ के लेके आना है हमारे घर पे काम करवाने के लिए। तो ये रेलवे ट्रैक मैंने लगा दिया यहाँ पे ऐसे,
ओके, हमारा यहाँ तक तो हो चुका है। अगर मैं इसको नीचे लेके आऊँ, जैसे कि ऐसे, एक ऐसे रख दूँ, और अगर मैं इसको रेल को अगर ऐसे रखूँ, ओह हो जाए भाई, गजब। वो मेरे को मालूम नहीं था ऐसे कर सकते हम लोग, वाह। ओके, हमारा रेलवे ट्रैक रेडी हो चुका है गाइज, हम लोग यहाँ से लेके जाने वाले हैं। सबसे पहले मैं ये यहाँ पे लगाता हूँ और एक विलेजर को पकड़ेंगे, जैसे कि ये सामने में जो है इसको पकड़ सकते हैं क्या? अरे नहीं, ये विलेजर नहीं है, ये ट्रेडर है। ट्रेडर को छोड़ो, मेरे को ना एक फार्मर को पकड़ना था। तो ये गोलम भाई साहब छोड़िए हमको। सर प्लीज़ हमारे साथ क्या आप चल सकते हैं? वहाँ पे हम लोगों ने आपके लिए एक रेलवे व्यवस्था करी हुई है, टिकट की कोई ज़रूरत नहीं है, टीसी वगैरह आपको पकड़ेगा नहीं, आप आराम से ट्रैवल कर सकते हो, फ्री में लॉकडाउन में ट्रैवल करने को मिल रहा है। सर चलेंगे हमारे साथ? सर हेलो, ये मेरे को टोटली इग्नोर मार रहा है यार। अरे रुको, एक तरीका है इसको लेके जाने का, इसके लिए मेरे को एक बोट की ज़रूरत पड़ेगी यार। मेरे पास बोट नहीं है, मेरे पास तो यहाँ पे ये भी नहीं है बोट बनाने के लिए। मेरे को पहले बोट बनाना पड़ेगा, मैं ना बोट इसके घर से बनाऊंगा। ओके, ये रहा क्राफ्टिंग टेबल और मैंने इसको यहाँ पे रखा। अभी मेरे को बनाना है बोट। बोट ऐसे बनता है, यस बोट बन चुका है। हेलो हेलो सर, कम ऑन, आह पड़ गए मेरे को। आ जाओ सर, आ जाओ, आपको ना मैं बिना टिकट के शेयर करवाने वाला हूँ। बट इसको ऊपर लेके जाएंगे कैसे? आ जाओ वापस, आ जाओ इधर आओ। मेरे को ना यहाँ से लेके जाना पड़ेगा इसको शायद। अगर मैं इसको ऐसे यहाँ पे, इसको यहाँ पे अगर मैं ऐसे लगा दूँ, जैसे कि अगर मैं यहाँ पे ऐसे लगा रहा हूँ, क्या दोनों, अच्छा दोनों डिसाइड कर रहे हो क्या कौन जाओगे सबसे पहले? अरे डिसाइड करने की जरूरत नहीं है, मैं किसी को भी लेके चला जाऊंगा। आ जाओ सर, सर कहाँ जा रहे हो? हेलो सर, सर प्लीज कम ऑन। देखो बोट लगी सर, कम। आजा उर। यहाँ क्यों नहीं रहा भाई? इसको अभी मेरे को ना यहाँ तक लगाना पड़ेगा लग रहा है। अब वहां से अगर कहीं गए ना, मैं मार दूंगा जान से। अबे भाग क्यों रहा है ये दूर मेरे से? आ जाओ बोट में। वो बैठ गया। थैंक गॉड बोट। ओ नहीं, गलत नहीं जाना मेरे को। अबे यार मैं गलत बैठ गया, पीछे लेके जा रहा हूँ। ओ नहीं, गिरेगा। ओके, मेरे को सावधानी से लेके जाना पड़ेगा। पीछे लेके जाओ। ये बहुत स्लो है बोट यार, ये पूरा दिन लग जाएगा मेरे को इसको लेके जाने में। कब तक जाएगा? कमान, हम लोगों को ना इसको सेफली लेके जाना है। अगर अभी उतर के भाग गया ना, बहुत प्रॉब्लम हो जाएगा। अभी मेरे को यहाँ पे यूटर्न मारना पड़ेगा। मैं पार्किंग में एक्सपर्ट तो नहीं हूँ बट गिरना नहीं है। अरे इसके लिए मेरे को बेड भी लगाना पड़ेगा, मैं भूल गया ना। अरे हाँ, इसको मैं बोर्ड पे बैठने को दूंगा। यस। ओ फाइनली, ओके मैं फाइनली इसको लेके आ चुका हूँ यहाँ पे हमारे रेलवे। अरे इधर अटक गया मैं। ओके, हम लोग ट्रैक के पास आ चुके हैं, इसको हमको ट्रैक पे बिठाना पड़ेगा अभी फिलहाल। ओके, कहीं भागना मत, प्लीज सीधा ट्रैक पे जाना, ठीक है? इसको ना ट्रैक पे बिठाना पड़ेगा। इधर आओ, इस पे बैठो। कम ऑन, बैठो ना प्लीज, कम सिट यार। फ्री में तुमको मैं वहां तक घुमाने लेके जा रहा हूँ, तुम बैठने रहो यहाँ पे, प्लीज बैठोगे तुम? अबे ट्रेडर कैसे बन गया यार? अरे क्या हो गया ये ट्रेडर कैसे बन गया? इस पे बैठो। हेलो, बैठो यार, बैठ रहे हो कि नहीं बैठ रहे हो तुम? अबे भाग गया, रुको। हेलो, कहाँ जा रहे हो यार? अबे बैठ यार, कम ऑन। क्या लेगा यार तू, क्या लेगा, कितना लेगा, बैठना। अबे रुकना, कहाँ भाग रहा है इतना जल्दी यार ये रोलर कोस्टर। ओ बैठ गया, चलो बैठ गया। अभी मैं बैठ नहीं सकता क्या? इसको मैं धक्का दूंगा। जा, बाय। अबे जाना ऊपर क्यों नहीं जा रहा? हेलो, जा ऊपर। यार ये ऊपर चढ़ नहीं रहा मेरे ख्याल से, मेरे को यहाँ पे कुछ और लगाना पड़ेगा, जैसे कि अगर मैं यहाँ पे पावर रेल लगा दूँ शायद अभी काम करेगा। चल। चलना, अबे जाना भाई, क्यों रिटर्न आ रहा है? चल निकल पहली फुर्सत में। ये काम नहीं कर रहा, काम करता हूँ। अरे नहीं, तुमको नहीं मार रहा था, सॉरी, मैं इसको निकाल रहा था। विलेजर मत भाग, प्लीज डोंट रन। मेरे ख्याल से ना मेरे को कुछ सोचना पड़ेगा, विलेजर को लेके आना बहुत मुश्किल है। ये रेलवे ट्रैक तो मैंने बना लिया है, लेकिन मेरे को नहीं पता गाइस ये क्यों काम नहीं कर रहा। रेलवे ट्रैक चल तो रहा है, देखो अगर मैं यहाँ पे बैठूं और मैं बोलूं चल मेरी गाड़ी, चुक, चल, तो ये हमारा ट्रेन चल तो रहा है लेकिन बहुत धीरे चल रहा है। उसके अलावा ये
ऊपर नहीं चढ़ रहा, मतलब स्ट्राइड तो जा रहा है बट ऊपर से नीचे नहीं चल रहा। मेरे इसका कुछ इलाज ढूंढना पड़ेगा, मेरे को इसके ऊपर कुछ रिसर्च करना पड़ेगा। तो मेरे ख्याल से आज के लिए बस इतना ही, इससे ज़्यादा मैं कुछ कर नहीं सकता। हमारा आज का मिशन अनसक्सेसफुल रहा, लेकिन इसका ये मतलब ये नहीं कि हम लोग विलेजर को नहीं लेके आए, हम लोग इसको लेके आने वाले हैं नेक्स्ट एपिसोड में। आज के लिए बस इतना ही, होप करते हैं कुछ वीडियो पसंद आई होगी। और कुछ टिप्स अगर देना चाहते हो तो इस गरीब नूब को दे सकते हो आप लोग कमेंट सेक्शन में। मैं मिलूंगा आप अगले वीडियो में से कुछ अमेजिंग वीडियो के साथ। तब तक के लिए गाइस, पीस आउट।